नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, किस प्रकार से आप अपने पेट के फैट को कम कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने कमर को पूरी तरीके से कम कर सकते हैं, जीरो फिगर बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जिनके भी फैट यहाँ पेट में और कमर में ये साइड के टायर्स बने हुए हैं, वो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे साथ ये 5 मिनट की क्रिया है, आप अगर कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो निश्चित ही आपका पेट का फैट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो देर न करते हुए हमारे साथ करना शुरू करें। तो हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमारे 5 योगाभ्यास हैं, 5 आसन ऐसे हैं, आसन एकदम राम बाण है पेट के लिए, वो पेट को पूरी तरीके से रिड्यूस कर देते हैं, इसके फैट को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए हम पहला आसन, एकदम आपका पेट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और ये साइड के जो टायर्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। आप ये समझें कि आपका शरीर, आपकी बॉडी पूरी तरीके से फैट मुक्त हो जाएगी अगर आपने ये 5 योगाभ्यास कर लिया। तो इसमें सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम लेट जाते हैं, यहाँ पे लेट गए हम, यहाँ पे लेटते हुए आप पहला योगाभ्यास इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आप बढ़िया थोड़ा कदम ताल कर लें, वार्म अप कर लें, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहला अभ्यास हमारा जिसमें आपको अपने शरीर पैर को थोड़ा ऊपर उठाना है, थोड़ा सा ऊपर उठाएं, उसके बाद एक पैर को ऊपर ले जाएं, फिर आपको इसको ऐसे चलाना है अपने पैरों को। ये हमारा पहला आसन है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आपको चलाना है, नीचे नहीं, ज़मीन में नहीं लगाना है इसको, इसको आपको इतना उठा के रखना है, उसके बाद एक पैर ऊपर जाएगा एक नीचे, ज़मीन में नहीं लगाना, नीचे नहीं टच कराना पैर को, ऊपर ही रहेगा, नीचे बिल्कुल भी नहीं टच होगा, आप इसको करें। ये आपका पहला अभ्यास है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका पहला अभ्यास है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपका बहुत ही एनर्जी लगेगी, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर लगती है, इसमें आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसमें एक बार और इसको करेंगे, इतना उठाते हैं पैर को यहाँ, और उसके बाद एक पैर ऊपर ले जाएंगे, फिर एक नीचे, ज़मीन में नहीं टच कराएंगे, ये ऊपर नीचे चलता रहेगा ऐसे, इसको आपको 3 बार करना है मेरे प्यारे दोस्तों। पहले दिन 3 बार ही करें, वरना इसके दूसरे दिन आपका पैर नहीं उठेगा, और ये बहुत ही कारगर है, ये आपके इसका पूरा वेट आपके पेट पे पड़ता है, तो पेट का जितना भी फैट है वो पूरी तरीके से समाप्त होने लगता है। और इसमें दूसरा क्या करेंगे, इसी में जोड़ते हुए दूसरा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक पैर को नहीं, इस बार अब हम अपने दोनों पैरों को एक साथ ले जाएंगे ऊपर की तरफ, उसके बाद इसको धीरे से करके नीचे लाएंगे, एकदम से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ले आएंगे नीचे, तो आराम आराम से बिल्कुल धीरे धीरे, और धीरे धीरे नीचे लेके जाएं, और आराम से नीचे रखें, और फिर उठाएं एक बार ऊपर को, और उसके बाद इसको नीचे ले जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे, आराम आराम से नीचे ले जाएं, एकदम से नहीं ले जाना, बिल्कुल धीरे धीरे, और धीरे धीरे पैर को नीचे ले जाए, बिल्कुल धीरे धीरे, इसको आपको 3 बार करना है, इसको भी 3-3 बार इन दोनों को करना है। अब उसके बाद हमारा इसमें तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी क्रिया इसमें ये होती है हमारी, हम इसमें ऐसे बैठ जाते हैं, ये हम बैठ गए, बैठने के बाद आपको अपने दोनों हाथ को यहाँ लगाना है, यहाँ देख लीजिए कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे दोनों हाथ को, उसके बाद पैर को आपको उठाना है, आगे की तरफ जाएगा फिर पीछे की तरफ आएगा,
आगे की तरफ ले जाएंगे और पीछे की तरफ आएगा, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, जितना पीछे खींच सकें आप इसको पीछे की तरफ खींचें और आगे ले पूरा एकदम आगे की तरफ फैलाएं। इसको आपको जब धीरे धीरे बनने लगेगा थोड़ा आप इसको तेज में करें, आपको इसको थोड़ा तेज करना है, इससे मेरे प्यारे दोस्तों आपके पेट का फैट बहुत ही जल्दी समाप्त होने में ये मदद करता है योगा अभ्यास। इसको कैसे करेंगे, इसको करना है, ये आसन हो गया। उसके बाद अब हमारा इसमें चौथा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, चौथे आसन में हम क्या करते हैं, इसमें पीछे घूम जाएंगे और इसमें हमको कैसे करना होता है, इसमें हम अपने पैर को आगे की तरफ ले आते हैं इधर, उसके बाद ये पीछे, फिर इसको ले आएंगे, पहले राइट पैर फिर उसके बाद लेफ्ट, और जब आप इसको करते रहेंगे, करते करते जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको आपको स्पीड में करना है थोड़ा। इसको जितना स्पीड में करेंगे उतना ही आपके पेट का फैट पूरी तरीके से समाप्त होने लगेगा, बहुत ही तेजी से ये आपके पेट के फैट को समाप्त कर देता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको जब आप करेंगे तो एक बार मैं इसको और करके आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार इसको करना है। इसमें आप ऐसे दोनों पैर पीछे फैला लेंगे, हाथ है इस पोजीशन में कर लेंगे, पुशअप मारने की स्थिति बनाएंगे आप, उसके बाद एक पैर यहाँ आगे की तरफ आएगा फिर पीछे को जाएगा, फिर ये आएगा फिर पीछे को जाएगा, पहले राइट पैर फिर लेफ्ट, राइट फिर लेफ्ट, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए स्पीड बढ़ जाए तो आप इसको स्पीड में भी कर सकते हैं। कैसे स्पीड में करेंगे, ऐसे आप इसको इस तरह से स्पीड में भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो स्टेप है हमारा पांचवा, इसमें हम सिर्फ अपने इस इतने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, और इसको कैसे करेंगे देख लो आप लोग, इसमें हम अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको ऐसे हाथ रख लेंगे और उसके बाद आप अपने पैर को पीछे फैला देंगे और आपको इसको 90 डिग्री में उठा के रखना है, ये सबसे तेज़ी से आपके पेट के फैट को समाप्त करने में मदद करता है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको इसको रोक के रखना है, मुट्ठी बांध के रख सकते हैं, खोल के रख सकते हैं, जैसे भी आप रख सकें, इस स्थिति में आपको आके रुकना है। ये मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही तेजी से आपका फैट समाप्त करता है पेट के, पूरा सिक्स पैक बना देता है आपके पेट में, और ये चारों तरफ से कमर का साइड का ये जो टायर बनते हैं मोटे मोटे, वो इन पांच आसनों से पूरी तरीके समाप्त हो जाते हैं। अगर आपने कर लिया इसको मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके शरीर में फिर कहीं भी फैट बचने वाला है नहीं, आप इसको करके देख सकते हैं। कहना किसी का नहीं मानना चाहिए, आप करें, उसके बाद अगर आपको लगता है ये सही है तब आप इस पर विश्वास करें, और फिर आप मेरे चैनल में को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेरे प्यारे दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार आप सबको, धन्यवाद हमारी वीडियो देखी।
बहुत बहुत प्रेम आप सबको। हम फिर मिलेंगे नए योगा अभ्यास के साथ अपनी अगली वीडियो में।